हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केजी ब्लॉग्स। गाइस, मैं आ चुका हूँ हरिद्वार और लोगों के मिस्टर हरिद्वार से 20 किलोमीटर आ गया हूँ और यहाँ मेरे पीछे खड़ा है डीजे सार्जन। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, खड़ा है डीजे सार्जन मेरे सामने। और दोस्तों, प्रशासन के कारण सुनने में आ रहा है कि अभी बंद करा दिया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई हुई है और लोग डीजे भी देखने की वजह से भीड़ लगा रहे थे, जिसकी वजह ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है और मेला काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए प्रशासन ने फिलहाल अभी डीजे सार्जन को बंद करा दिया है। तो गाइस, ये डीजे सार्जन का सेटअप दोस्तों, सुनने में आया कि प्रशासन ने नीचे की इसकी 5-6 बजे से खुलवा दी है। अभी जो तिरपाल हटेगा तभी पता चलेगा। और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक बेसब्री से इंतजार कर रही है डीजे सार्जन का, प्ले करने का। देखते दोस्तों कब प्ले होता, लगभग 1 घंटा खड़ा हुआ तो मुझे हो गया है यहाँ पे, अभी तक सेटअप प्ले नहीं हुआ है। दोस्तों, विनायक साउंड जो कि हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर आगे खड़ी है, ये भी बंद है। ज़्यादातर बड़ी साउंड में अभी तक बंद मिली है क्योंकि प्रशासन के कारण बंद करा दी गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मेले में, इसकी वजह से मेला डिस्टर्ब हो रहा है और सारे ही सेटअप बंद पड़ गए हैं। दोस्तों, विनायक साउंड दोस्तों और दिखाता हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा साउंड बंद पड़ी है। इस टाइम में लगभग हरिद्वार से 20 किलोमीटर आ गए हूँ बादलपुर टोल से आगे, और दोस्तों उसका आगे खड़ी है राधा स्वामी साउंड। दोस्तों, राधा स्वामी साउंड ये भी बंद पड़ी है इस टाइम, क्योंकि दोस्तों प्रशासन यहाँ डीजे चलने दे रहा। अभी पीछे आपको गया डीजे सार्जन, वो भी बंद था। दोस्तों, राधा स्वामी इनका भी काफ़ी नाम सुना जा रहा है। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि इन्होंने 18 से 20 साल का ट्रोला बांधा है। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा साउंड अभी यहीं पर खड़ी है। जो आप हरिद्वार से आप मेरठ रोड पाओगे, पहला टूट पड़ता है बादलपुर, उसके पास आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ पर सारी साउंड बंद पड़ी हैं। दोस्तों, एक बड़ा सेटअप ये खड़ा है, नाम मैं इसका भी चेक करता हूँ क्या है। ये भी दोस्तों बंद है। दोस्तों, लगभग मुझे सारी बड़ी साउंड यहीं मिली हैं, सारी साउंड अभी सुनने वाला प्रशासन के कारण बंद है, क्योंकि प्रशासन यह साउंड सेटअप नहीं चलने दे रहा है। और उसके बाद दोस्तों, बहुत सुंदर काम है ये बोले जी। दोस्तों, डीजे साधन ये भी फिलहाल बंद है। डीजे साधन ये भी दोस्तों बंद है। अभी देखते हैं दोस्तों क्या रिजल्ट निकल के आता है। और दोस्तों, डीजे नियम आ चुका है, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो वो डीजे नियम, दोस्तों डीजे नियम आ चुका है। दोस्तों, डीजे रावण जो कि अभी बंद है। दोस्तों, लगभग सभी बड़े डीजे अभी तक बंद मिले हैं क्योंकि प्रशासन डीजे प्ले नहीं करने दे रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है ये यूट्यूब में जाने के बाद ही बजेंगे डीजे रावण। दोस्तों, डीजे नहीं उमर जो कि प्रशासन का बंद जा रहा है, अभी प्ले नहीं करा है। थोड़ी देर पीछे ना साउंड चेक करा था तभी बंद हो गया था डीजे नहीं उमर, जो कि दोस्तों अभी बंद जा रहा है। सारे ही बड़े डीजे अभी तक दोस्तों बंद मिले हैं डीजे नहीं उमर। दोस्तों, लाइव अपडेट है। दोस्तों, आप देख सकते हो पब्लिक भी बहुत है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। दोस्तों, अभी तक जितने भी बड़े डीजे थे मैंने आपको दिखाए, इन्हें कवर करवाया। तो एक सेटअप ये खड़ा है, ये भी बंद है। देखते हैं दोस्तों कौन सा सेटअप है। ये भी दोस्तों बंद है फिर साधन कारण। बंद पड़ा है, सभी आपको हरिद्वार से 20 किलोमीटर आगे मिल जाएंगे, लेकिन सभी सड़क वही बंद पड़े हैं किसी कारण। दोस्तों का नाम तो नहीं पता, क्योंकि नाम इस पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सेटअप काफ़ी बड़ा है। लगभग सारे ही सेटअप बंद पड़े हैं, रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। और इसके साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, कोई भी अपडेट होगी तुरंत आपको दूंगा, क्योंकि मैं हरिद्वार से 30-40 किलोमीटर ही हूँ। वैसे दोस्तों, बहुत चांस होता है अगर शायद
अमर साइडा बस्तों को आ रहा होता तो रावण साउंड पे बैठ के रावण सेटअप का दोस्तों बैनर मुझे बहुत सही लगा कि पता चल रहा है कौन सा सेटअप खड़ा है असली रावण।